देखिए, जो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट एरर्स। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरर्स होते क्या हैं और एरर्स ऑकर क्यों होते हैं। ठीक है, देखिए, ये एक आपके पास सेंडर है, दिस कैन बी अ सेंडर, और ये फिर आपके पास एक रिसीवर है। ठीक है, अब ये जो सेंडर और रिसीवर है, इनके बीच में किसी तरह से कोई ना कोई ऐसा मीडियम होगा जिससे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये जो मीडियम है, दिस कैन बी ए वायर्ड मीडियम, यानी कि जो तार से कनेक्टेड होता है, या फिर दिस कैन बी ए वायरलेस मीडियम जिससे कोई भी तार कनेक्टेड नहीं होती। अब इस मीडियम के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी डिस्टर्बेंस अगर हमारे पास आ जाए तो वहाँ से हमारे पास एरर ऑकर हो जाता है। अब ये डिस्टर्बेंस किस किस तरह की हो सकती है? ओके, देखिए, ये जो डिस्टर्बेंसेस है, ये डिस्टर्बेंस एक नेचुरल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है और ये एक डिस्टर्बेंस मैन मेड डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। नेचुरल डिस्टर्बेंस जैसे कि हमारे पास बादल कड़क रहे, दैट मीन्स सम प्रॉब्लम ऑफ लाइटनिंग, ठीक है, या फिर किसी तरीके से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो उस वजह से हमारी जो वायर है वो अफेक्ट हो रही है, तो उस तरह के जो डिस्टर्बेंस होंगे दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल डिस्टर्बेंस। और जो दूसरे तरह के डिस्टर्बेंस हो सकते हैं देर इज़ मैन मेड डिस्टर्बेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने देखा होगा कि अर्लियर यू यूज़ टू हैव लैंडलाइन टेलीफोन्स, अब इन लैंडलाइन टेलीफोन्स की जो वायर होती थी, दीज आर कनेक्टेड टू यूजिंग वायर थ्रू BSNL नेटवर्क। अब ये जो वायर है दैट वॉज नॉट फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं थी, इट यूज़ टू कैरी द वॉइस सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और ये जो वायर है, इफ़ यू पुट दिस वायर क्लोज एनफ टू एनी इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर अगर इसके पास अगर आप इसको रखते थे, तो इस वायर के अंदर सिग्नल्स के अंदर नॉइस आना शुरू हो जाती थी। अगर वो नॉइस है, नॉइस इज़ ऑल्सो ड्यू टू सम काइंड्स ऑफ एरर्स। ठीक है, अब हम समझ गए हैं व्हाट इज़ एन एरर, एरर होते क्या है। अब लेट अस रीड द थ्योरी अबाउट इट कि होते क्या है, क्यों होते हैं और किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, वेन एवर बिट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दे आर सब्जेक्ट टू अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंसेस। अभी जो इंटरफेरेंसेस हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला दिस कैन बी नेचुरल इंटरफेरेंस और दिस कैन बी मैन मेड इंटरफेरेंस लाइक दिस। किसी भी तरह की मैन मेड इंटरफेरेंस हो सकती है, देर कैन बी इन्फिनिट डिफरेंट रीजंस। ओके, नाउ दिस इंटरफेरेंस कैन चेंज द शेप ऑफ द सिग्नल, शेप ऑफ द सिग्नल। ओके, व्हाई इट इज सेइंग शेप ऑफ द सिग्नल, जस्ट एज्यूम अगर हम जीरो को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, एंड वन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सी, ये जो है दिस इज़ अबाउट एनकोडिंग, देर आर टू काइंड ऑफ एनकोडिंग, देन इज मैनचेस्टर एनकोडिंग जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिग्नल है ना, दैट इज़ ट्रेवल्ड अकॉर्डिंग टू सिग्नल शेप्स, आई गेस इस तरीके से हमारे पास सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर दिस कैन शो अ ज़ीरो और दिस कैन शो अ वन, ठीक है। फिर यहाँ पर ये दोबारा से हमारे पास एक ज़ीरो शो कर रहा है, दोबारा से फिर हमारे पास एक वन शो कर रहा है, इस तरीके से सिग्नल ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब इस सिग्नल के अंदर इफ़ देर इज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जो यहाँ पर आ गई है, तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस ये जो सिग्नल है, दिस सिग्नल कैन चेंज इट्स शेप। जिस तरीके से अगर मैं कहता था कि पहले जो सिग्नल है दैट इज़ ट्रैवलिंग लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंस यहाँ पर, बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंस ये सिग्नल की शेप चेंज हो गई, नाउ द सिग्नल इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इस तरह से अगर सिग्नल चेंज हो गया तो क्या हो गया कि बिट्स का जो मीनिंग था वो मीनिंग ही चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चेंज इन द शेप ऑफ अ सिग्नल। अब ये जो चेंज इन द शेप है इन अ सिग्नल, इट अ ज़ीरो कैन बी चेंज टू वन और अ वन कैन बी चेंज टू ज़ीरो। जिस तरीके से आई कैन से इफ फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एनकोडिंग, सी देर आर टू काइंड ऑफ एनकोडिंग वी हैव, वन इज मैनचेस्टर एनकोडिंग, मैनचेस्टर एनकोडिंग, एंड सेकेंड वन इज डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग इस समय पर, बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड।
ठीक है। ये इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, ये इनकोडिंग हमें इस तरीके से हेल्प करती है, अगर हमारे पास कोई भी सिग्नल है, जैसे कि हमारे पास सिग्नल है 101101, अगर हमें ये मैसेज हमें कहीं पर ट्रांसमिट करना है, तो हम इसको शेप्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस काइंड ऑफ सिग्नल। अब ये देखिए, जो सिग्नल है ये फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रैवल करेगा, उस फाइबर ऑप्टिक केबल में इट इज़ लाइक अ लाइट सिग्नल, ठीक है। अब इस कोड को या फिर किसी भी तरह के कोड को, जैसे कि ये हमारे पास एक कोड है, इस कोड को हम इस तरह के सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करें, इसको बताने के लिए हम लोग इनकोडिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैनचेस्टर इनकोडिंग या फिर डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग। उसके अंदर हम एक ज़ीरो के लिए अलग से एक हम इनकोडिंग टेक्निक देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक दिस, हमने ज़ीरो के लिए दे दिया, और अगर हमारे पास एक वन है तो हमने इस तरीके से कुछ शेप दे दी। तो इस तरीके से हम लोग कुछ कुछ शेप्स दे सकते हैं सिग्नल्स को इन मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग, और फिर इन शेप्स के थ्रू हम लोग सिग्नल्स को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर मैनचेस्टर डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग का। इन केस ऑफ मैनचेस्टर इनकोडिंग, अगर हम लोग मैनचेस्टर इनकोडिंग की बात करेंगे, तो वहाँ पर एक वन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक ज़ीरो को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे किसी सिग्नल किसी कॉम्बिनेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करना है 1010, ठीक है। अब ये 1010 कॉम्बिनेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा, अब वन की डेफिनेशन यहाँ से ले लीजिए और ज़ीरो की डेफिनेशन यहाँ से ले लीजिए। तो वन की डेफिनेशन क्या है, दिस, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वन, और ज़ीरो की डेफिनेशन क्या है, दिस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ज़ीरो, ओके। अब दोबारा से हमारे पास वन आया, तो वन की डेफिनेशन क्या है, दिस, तो ये हमारे पास वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ज़ीरो की डेफिनेशन क्या है, दिस, ये हमारा एक ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग की बात करते हैं, तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग के अंदर अ ज़ीरो इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस और दिस, ठीक है। इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। उसी तरीके से हमारे पास अगर एक वन है, तो वन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और दिस, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग फिर से सेम सिग्नल को ही इनकोड करना है, फॉर एग्जांपल हमें 1010 को इनकोड करना है, अभी जो 1010 है वो कैसे होगा, देखिए ये जो पहला वन है, हम इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एज्यूम करो मैं ऊपर वाला ये वाला सिग्नल यूज़ कर रहा हूँ, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वन, करेक्ट। नेक्स्ट सिग्नल आया हमारे पास ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर ये जो लेवल है, दिस इज़ लोअर, तो हम लोग इन दोनों में से आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन बिकॉज इट विल मेक इट मोर मीनिंगफुल, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा सिग्नल यहाँ से यहाँ तक, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ज़ीरो, ओके। अब देखिए दोबारा से हमारे पास एक और वन आ गया, तो इस वन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ये ब्लू नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन, तो यहाँ पर दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वन, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हमारे पास एक ज़ीरो आया, अब ज़ीरो को हम दोबारा से देखें, अब हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, हम लोग एक ही दो हमने सिग्नल्स के रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ किया टू रिप्रेजेंट द सेम सिग्नल, और इस तरीके से हम इस मैसेज को यहाँ से सेंड कर सकते हैं। अब जब भी यहाँ पर कोई एरर आएगा, तो वो इस सिग्नल की शेप को चेंज करेगा, ये एक नोट करने वाली चीज़ है यहाँ पर, कि वेन एवर दिस सम काइंड ऑफ एरर्स, देन दैट एरर चेंजेस द शेप ऑफ द सिग्नल, शेप ऑफ द सिग्नल, ठीक है। अभी जो शेप ऑफ द सिग्नल हम लोग चेंज कर रहे हैं एरर्स की वजह से, अब ये जो एरर है दो तरह के हो सकते हैं, एक्चुअल से कि एरर जो है ना वो तीन तरह के हो सकते हैं, दो तरह के नहीं, एरर्स को हम तीन तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल बिट एरर, और जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर, और जो तीसरी तरह की कैटेगरी है उसको हम बोल सकते हैं बर्स्ट एरर, बर्स्ट एरर। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो मेन डिफाइन करेंगे, दैट विल बी अ बर्स्ट एरर एंड अ सिंगल बिट एरर, बिकॉज जो मल्टीपल बिट एरर्स हैं ये बर्स्ट एरर्स के अंदर ही कंक्लूड या फिर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला आता है हमारे पास सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर का मतलब क्या होता है, सिंगल बिट एरर का मतलब क्या है कि इस सिग्नल की कोई भी एक बिट चेंज हो गई, ठीक है। जैसे कि सेंडर जो है, सेंडर मैसेज सेंड करना चाहता था 1010, लेकिन जब रिसीवर को ये मैसेज मिला, तो रिसीवर को मिला 1101110,
तो हुआ क्या कि एक बिट की इन्फॉर्मेशन जो कि ये वाली बिट है, ये एक बिट की इन्फॉर्मेशन जीरो से चेंज होकर हमारे पास वन बन गई। अब बिकॉज एक बिट की जीरो इन्फॉर्मेशन जीरो से लेकर चेंज होकर वन बन गई, तो इस पूरे मैसेज का जो मीनिंग है वो एंटायर मीनिंग ही चेंज हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एज्यूम करो हम एस जो सेंडर और रिसीवर है दे आर यूजिंग एस्काई कोड्स, ठीक है। एस्काई कोड का एग्जांपल क्लियर हो बिकॉज दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि एस्काई कोड में हमारे पास कैपिटल ए है, कैपिटल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय डेसिमल नंबर 65, या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 0100001। तो ये जो है हमारे पास बाइनरी इक्विवेलेंट है एस्काई सिंबल कैपिटल ए के लिए। अब सेंडर ने कैपिटल ए को सेंड किया, ठीक है, रिसीवर के पास ही मैसेज गया। जब रिसीवर ने इस मैसेज को रिसीव किया तो इसके अंदर एक बिट की इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई। एज्यूम करो जो एक बिट की इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये वाला जो ज़ीरो है, दिस ज़ीरो इज नाउ चेंज टू वन। बिकॉज ये ज़ीरो वन में चेंज हो गया तो दिस एस्काई वैल्यू दिस इज़ नाउ रिप्रेजेंटिंग 67, और 67 कैपिटल सी का इक्विवेलेंट एस्काई सिंबल है। तो मैसेज का जो मीनिंग है वो कम्प्लीटली हमारे पास चेंज हो गया। बट ये जो सिंगल बिट एरर्स है ना, ये ऑकर होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है बिकॉज इट इज़ वेरी रेयर केस कि आपके पास सिंगल बिट एरर्स ऑकर होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास मल्टीपल बिट एरर्स ही ऑकर होते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखिए इसका रीज़न यहाँ पर एक बार हम इसको देख लेते हैं, फिर मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। अ सिंगल बिट एरर, अ ज़ीरो इज चेंज टू वन और अ वन इज चेंज टू ज़ीरो, दैट यू ऑलरेडी नो। अब जो बर्स्ट एरर आता है, दे आर मल्टीपल बिट एरर्स, मल्टीपल बिट्स आर चेंज्ड, ठीक है। देखिए बर्स्ट एरर होता क्या है, सिंगल बिट और बर्स्ट एरर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हमारे पास है बर्स्ट एरर्स। एक सेंडर जब मैसेज को सेंड कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लंबा मैसेज है, सेंडर इज सेंडिंग अ मैसेज 01000010, ठीक है। अब जब इस मैसेज को हमने सेंड किया रिसीवर के पास, तो रिसीवर के पास एक से ज़्यादा बिट्स करप्टेड हो गई, जैसे कि 01011101, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हमारे पास मल्टीपल बिट्स यहाँ पर चेंज हो गई है। अब ये जो मल्टीपल बिट्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई, आप देखें देख सकते हैं कि ये वाली बिट चेंज हो गई है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली बिट चेंज हुई है, फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली जो बिट है ये चेंज हो गई है, फिर हमारे पास ये वाली जो बिट है ये बिट चेंज हो गई है, फिर हमारे पास ये जो बिट है ये वाली बिट भी चेंज हो गई है। दिस शुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो अब मल्टीपल बिट्स हमारे पास चेंज हो गई है। ये जो बिट्स हैं वो एक कॉम्बिनेशन में, एक बहुत सारी बिट्स हैं जो हमारे पास चेंज हुई हैं। तो इस तरह के एरर्स को जहाँ पर एक से ज़्यादा बिट्स करप्टेड होती हैं तो उसको बोलते हैं बर्स्ट एरर्स। अब ये जो बर्स्ट एरर्स होकर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बर्स्ट एरर होते क्या हैं और बर्स्ट एरर्स को हम कहते क्यों हैं और कहाँ से कहाँ तक हम बर्स्ट एरर को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल से पहले एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि होते क्यों हैं। देखिए हमारे पास कभी भी जो एरर्स ऑकर होंगे, एरर विल ऑकर फॉर सम मिली सेकेंड और सम सेकेंड्स और सम नैनो सेकेंड। इज़ वेरी रेयर प्रोबेबिलिटी कि एरर्स जो है किसी नैनो सेकेंड के अंदर ऑकर हो रहे हैं। नैनो सेकेंड का मतलब क्या है कि जो एरर इंट्रोड्यूस हुआ नेटवर्क में 1/10^9 ऑफ अ सेकेंड के अंदर एरर ऑकर हुआ। मिली सेकेंड का मतलब है जो एरर ऑकर हुआ वो इस इतने टाइम तक हमारे पास वो एरर ऑकर हुआ, ठीक है। फाइन सॉरी 10^3, ठीक है। और माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1/10^6, ठीक है। तो एक हमारे पास मिली सेकेंड होता है, एक हमारे पास माइक्रो सेकेंड होता है, और फिर एक हमारे पास नैनो सेकेंड होता है। तो सो आई थिंक मिली सेकेंड इज़ बिगेस्ट। मिली सेकेंड क्या होता है, 1000 मिली सेकेंड इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। उसी तरीके से 10^6 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और उसी तरीके से 10^9 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब ये देखिए जो मिली सेकेंड है दैट स्टिल अ वेरी बिग क्वांटिटी। वेरी बिग क्वांटिटी मीन्स एक सेकेंड का 1000th पार्ट के अंदर कोई एरर ऑकर हुआ है, और ये जो है दिस कैन बी डन, आई मीन नॉर्मली इतना ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो नैनो सेकेंड एरर ऑकर की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी रेयर होती है, बिकॉज इतने स्मॉल ड्यूरेशन के लिए एरर होकर ऑकर होना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट।
अब देखिए एज्यूम करें कि हमारे पास 1 मिलीसेकंड के लिए एरर ऑकर हुआ है, 1 मिलीसेकंड, ठीक है। तो 1 मिलीसेकंड का मतलब क्या है, देखो 1 मिलीसेकंड का मतलब क्या है, अगर आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, एज्यूम आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं और जिसकी स्पीड बहुत स्लो है, और एज्यूम करो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और जिसके अंदर हमारे पास जो हम स्पीड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 10 Mbps, मैं आपको बता चुका हूँ Mbps का मतलब है 10 megabits per second, सो इट इज़ 10 megabits per second, बिकॉज ये megabits हैं, megabits, megabits का मतलब क्या हुआ, 10^6 bits per second, तो आप इतना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो एक सेकेंड के अंदर। अब देखिए एक एरर ऑकर हुआ जो कि द एरर वाज फॉर 1 मिलीसेकंड, एक 1 मिलीसेकंड के लिए एरर ऑकर हुआ, 1 मिलीसेकंड का मतलब क्या है, इट इज़ 10^3 ऑफ अ सेकेंड, इतने एरर्स अगर 1 मिलीसेकंड के लिए कोई एरर ऑकर हुआ तो एटलीस्ट कितनी बिट्स को अफेक्ट करेगा, वो इतनी बिट्स को अफेक्ट करेगा अपॉन 10^3। तो ऊपर हमारे पास बिट्स पर सेकेंड था, ठीक है, तो एक सेकेंड और एक सेकेंड यहाँ पर आएगा, सेकेंड हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास 10 megabits 10 Mbps का कनेक्शन है और हम 1 मिलीसेकंड के एरर्स ऑकर करते हैं तो 10^4 बिट्स विल बी अफेक्टेड, 10^4 बिट्स विल बी अफेक्टेड, विच इज़ स्टिल अ वेरी वेरी बिग नंबर, दैट मीन्स अगर आपके पास 1 मिलीसेकंड के लिए एरर आएगा तो 10,000 बिट्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा जो एरर है वो एक माइक्रोसेकंड के लिए एक एरर है, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है, अगर एक माइक्रोसेकंड तक के लिए एरर आएगा तो कितनी बिट्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है, एक माइक्रोसेकंड के लिए एरर आएगा तो दैट विल अफेक्ट एटलीस्ट 10 bit ऑफ इंफॉर्मेशन, तो 1 microsecond इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो इसी वजह से हमारे पास ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास जो एरर्स आते हैं, जो नॉइज़ की ड्यूरेशन आती हैं या फिर जो चीज़ें अफेक्ट करती है वो हमें काफ़ी सारी बिट्स को अफेक्ट करता है, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ बर्स्ट एरर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे उस 1/100th बर्स्ट सेकेंड के लिए अगर बर्स्ट कोई हमारे पास इम्पल्स नॉइज़ की इम्पल्स आ रही है और हमारे पास 1200 बिट्स पर सेकेंड का हमारे पास चैनल है तो हमारे पास 12 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, ओके। सो यहाँ पर वही एक एग्जांपल हमने दिया हुआ है, व्हाट इज़ अ सिंगल बिट एरर, सिंगल बिट एरर का मतलब क्या है, अगर सेंडर आपको कुछ मैसेज सेंड करना चाहता था उस मैसेज में से एक बिट की इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई देन दैट इज़ कॉल्ड एज ए सिंगल बिट एरर, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बर्स्ट एरर, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बर्स्ट एरर होता क्या है कि एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा बिट्स अगर अफेक्ट हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए बर्स्ट एरर। अब देखिए बर्स्ट एरर के अंदर हम बर्स्ट को मेज़र कहाँ से करते हैं, एज्यूम करो सेंडर ने इस मैसेज को सेंड किया और रिसीवर को ये मैसेज रिसीव हुआ, अब जो पहली बिट जो करप्ट हुई है और लास्ट बिट जो करप्ट हुई है उसके बीच में जितनी भी बिट्स हैं ये सभी बिट हम मानेंगे कि ये सभी के सभी बिट्स अफेक्ट हो चुकी हैं, तो सभी के सभी बिट्स हमारे पास करप्टेड हो चुकी है। तो बर्स्ट एरर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बर्स्ट यानी कि पहली बिट जो करप्ट हुई और लास्ट बिट जो करप्ट हुई उनके बीच में टोटल कितनी बिट्स हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो यहाँ पर टोटल 8 bits हैं, तो बिकॉज 8 bits हैं तो पहली बिट जो करप्ट हुई लास्ट बिट जो करप्ट हुई उसके बीच में कुछ ऐसी बिट्स हो सकती हैं जो कि सही हैं जिनमें कोई भी करप्शन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो 2 bits हैं इनके अंदर कोई भी किसी तरह का करप्शन नहीं है, स्टिल दैट इज़ कॉल्ड एज ए बर्स्ट एरर, तो इसको हम लोग बर्स्ट एरर कहेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ अ बर्स्ट एरर ऑन डेटा यूनिट, इन दिस केस इफ दिस इज़ द मैसेज वॉज सेंड एंड दिस इज़ द मैसेज वॉज रिसीव्ड, नोट दैट द बर्स्ट एरर डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द एरर ऑकर्स इन द कॉन्जिक्यूटिव बिट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि एरर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव बिट्स यानी कि हर एक बिट के अंदर होगा, ऐसा हो सकता है कि बीच में कुछ बिट्स हमारे पास करेक्ट पहुँच गई हो लेकिन पहली करप्टेड बिट और लास्ट करप्टेड बिट के जो टोटल लेंथ है उसको हम बोलेंगे बर्स्ट, ठीक है। द बर्स्ट इज मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट करप्टेड बिट टू द लास्ट करप्टेड बिट बट सम बिट्स इन बिटवीन मे नॉट हैव बीन करप्टेड, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ बर्स्ट एरर, ठीक है। अब देखिए एरर्स को करेक्ट करना
हम लोगों ने अब तक, ठीक है, हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिडंडेंसी, कि रिडंडेंसी होती क्या है और किस तरीके से हम एरर्स को करेक्ट करेंगे, किस तरह की जो टेक्निक्स हैं वहाँ से हम चेक करेंगे एरर करेक्शन क्या होता है और एरर डिटेक्शन क्या होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।